तमंचे वाली टीचर निलंबित। टीचर ने सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। सीएमओ की शिकायत पर निलंबित महिला टीचर के समर्थन में उतरे छात्र व अभिभावक। छात्रों और अभिभावकों को तहसील दिवस में पहुंचे डीएम से टीचर का निलंबन वापस कर सीएमओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक कार्रवाई और प्रताड़ना के शिकार महिला टीचर ने सुनाई आप बीती, बताया कि आखिर सीएमओ से क्यों कही थी बंदूक साथ लाने की बात। सीएमओ रामपुर की शिकायत पर निलंबित हुई शिक्षिका का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रामपुर की टांडा तहसील दिवस से पहुंचे जिलाधिकारी रामपुर के सामने किशनपुर अटरिया प्राथमिक विद्यालय के छात्रों और उनके अभिभावकों ने निलंबित हुई प्रधानाध्यापक का निलंबित वापस करने और कथित रूप से दुर्व्यवहार और अश्लील डिमांड करने वाले सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। किशनपुर अटरिया प्राथमिक विद्यालय के छात्र रहे शगुन ने तहसील दिवस के बाहर मीडिया से रूबरू होकर निलंबित की गई टीचर की तारीफ करते हुए छात्रों के साथ अच्छा बर्ताव की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टीचर को भगवान तक कह डाला। छात्र ने यह भी बताया कि आखिर किस तरह से महिला शिक्षिका के साथ सीएमओ ने कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था और अश्लील बात कही थी, जिसके जवाब में महिला शिक्षिका ने अपने साथ बंदूक लाने की बात कही। उधर सीएमओ रामपुर द्वारा 11 जुलाई को किशनपुर अटरिया प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए जाने पर प्रधानाध्यापक द्वारा दुर्व्यवहार करने और दो नाली बंदूक होने की बात कहकर 25 जुलाई को डीएम रामपुर से मौखिक शिकायत की थी, जिस पर विभागीय कार्रवाई करते हुए महिला टीचर को न केवल निलंबित कर दिया गया बल्कि 16 अगस्त को आरोप पत्र भी दे दिया गया। एक तरफ निलंबन और अगले ही दिन आरोप पत्र थमाए जाने से जैसे ही विभागीय कार्रवाई से प्रताड़ना झेल रही महिला टीचर ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए सीएमओ रामपुर पर गंभीर आरोप लगाए। महिला टीचर ने साफ किया कि बंदूक साथ लाने की बात उन्होंने सीएमओ रामपुर के अनैतिक और अश्लील प्रस्ताव पर कही थी। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को कोई इस घटना के 2 सप्ताह बाद सीएमओ रामपुर ने महिला टीचर का इंतजार किया और कथित रूप से उनके अश्लील ऑफर को नो कहने पर सीएमओ ने डीएम रामपुर से मनगढ़ंत शिकायत कर दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकारी नारे को जमीन पर उतारने वाली शिक्षिका खुद एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही, लेकिन उसके आरोपों की ना तो कोई जांच हुई, ना ही आरोपी अधिकारी से कोई जवाब तलब ही हुआ, बल्कि सीधे पीड़ित शिक्षिका निलंबित की कार्रवाई कर दी गई। अगले ही दिन आरोप पत्र भी थमा दिया। अश्लील डिमांड का आरोप लगाने वाली टीचर को एक तरफा सस्पेंड किए जाने पर बड़ा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में नन्हे मुन्ने मासूम विशेषकर लड़कियों को समाज में पनप रही कुरीतियों और अश्लीलता से लड़ने के लिए तैयार करने का भला कौन साहस कर सकेगा। सर, मेरा नाम असमा परवीन है, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुर रटरिया नगर क्षेत्र रामपुर से, मैं इस टाइम इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। हुआ क्या है, मैटर क्या है, ये चल रहा है आपके तमंचे वाला? सर, मैटर कुछ नहीं था, मैटर था 11 जुलाई का। 11 जुलाई में सीएमओ सर किशनपुर रटरिया के प्रांगण में आंगनवाड़ी है, तो वो आंगनवाड़ी चेक करने के लिए आए। उनका ना तो मेरे स्कूल पर कोई ऑफलाइन भ्रमण था, ना ही ऑनलाइन, और ना ही मेरे किसी रजिस्टर पर उनके साइन है। लेकिन एक मेरा अपना व्यवहार है कि उच्च अधिकारी आते हैं तो मुझे उनके सम्मान में बोलना पड़ता है कि भाई आइए सर, ऑफिस में बैठिए, पानी चाय। वैसे ही मैंने नमस्ते कर बात की। उन्होंने पूछा आप कौन है, मैंने कहा सर मैं यहाँ की हेड हूँ, इंचार्ज अध्यापिका हूँ। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक तो पहले मेरी आंगनबाड़ी को बहुत टाइट किया, डांट दिया। पूनम तुरैया मैडम है उनका नाम। फिर उसके बाद वो आशा है रजनी मैम, तो रजनी मैम वाइफ ऑफ श्री रंजीत सिंह, तो उन्होंने उनके साथ भी बहुत अभद्रता की। बोले कि तुम बिल्कुल जाहिल गंवार हो और तुम्हें ये नहीं मालूम कि कितने छिड़गांव में कितना ML पानी डालते हैं, कितनी दवा डालते हैं, तो फिर और 2 ढक्कन क्या होता है, 2 ढक्कन क्यों डाले। इस तरीके से सर इतना मिसबिहेव किया उन लेडी के साथ। मैं वहाँ 13 साल से जॉब में हूँ, मैंने उनका थोड़ा फेवर किया। मैंने कहा सर इतनी अच्छी और इतनी एकदम कर्मठ स्त्री हैं, मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, जितनी गर्भवती हैं और जितने संचालित कार्यक्रम हैं स्वास्थ्य विभाग के, सब मेरे साथ योगदान के साथ और सहयोग के साथ किए जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत नेता बन रही हो आप, तो चलो अपना स्कूल चेक कराऊँ। तो सर मेरे ऊपर आरोप यह है मैंने अमर्यादित शब्द बोले, जबकि उन्होंने उस समय बोला अच्छा बहुत नेता बन रही हो सबकी, चलो। फिर वो ऐसे स्कूल मेरे क्लासेस में चले गए, बच्चों ने बिल्कुल सटीक जवाब किए और बच्चों ने बहुत ठीक और सही उत्तर दिए। सर बोले अच्छा चलिए अपना स्कूल का भ्रमण दिखाइएगा, भ्रमण कराइए। फिर मैंने ऐसी स्कूल की बिल्डिंग दिखाई, बोले बहुत अच्छा पैसा लगा दिया आपने काफ़ी, और ये दिव्यांग शौचालय क्यों, कमोड क्यों लगवाई। मैंने कहा सर कमोड में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उनको भी फेस करने के लिए, वो भी यूज़ करते हैं, और मैं भी थोड़ी मोटी हूँ, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ कमोड। तो मुझे बोले आप कहाँ मोटी हो, आप तो खाते पीते घर की हो, इतनी सुंदर हो। तो सर थोड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन उनकी एज मेरे डैडी के बराबर है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं समझी उनको। लेकिन उन्होंने जब मुझसे 2-4 बार इंसिस्ट किया कि फ़ोटो खिंचवा तो लो, फोटो तो खिंचवाओ, तो देखिए सिक्स सेंस डेवलप्ड होता है लेडीज़ का, उन्हें आइडिया हो जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एट द स्टेप। तो मुझे मालूम हो गया,
मैंने अपने सहायक टीचर्स असिस्टेंट टीचर्स को बुलाया, उन लोगों को खड़ा किया और फिर मैं लास्ट में कॉर्नर पे आके खड़ी हो गई। इसके बाद भी उनको मंशा उनका ठीक ठाक नहीं था, वो बोले अच्छा चलिए उस साइड कॉर्नर में चलते हैं, क्लासेस बढ़े आपके खाली पड़े। वहाँ तक गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे अश्लील और इतनी गंदी बात की सर कि मैं कई बार मतलब मैं खुद भी सोच रही हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आ जाता है। तो उस समय सिर्फ मैंने यही क्यों कहा कि मैं आपके बिस्तर पर गन के साथ आऊँ या रिवॉल्वर के साथ आऊँ, मैंने उनको कुछ और क्यों नहीं कहा। मैं इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई थी कि मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग में यही आया कि एक महिला अपने सम्मान अपने अस्तित्व अपनी गरिमा को बचाने के लिए, और सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं खुद अपने साथ मेरे स्कूल में इस टाइम 188 बच्चे हैं इस टाइम रजिस्टर्ड, उनमें से 100 लड़कियाँ हैं, मैं 100 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं 100 लड़कियों को उनके अंदर आत्मविश्वास और उनके अंदर के उनको अपना कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को समाज में एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आना है, मैं सब कुछ सिखा रही हूँ। और उसी टीचर के साथ आप इतनी अभद्रता करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये तो सही नहीं था ना किसी भी तरीके से।